नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को मैराथन वीडियो करवाने वाला हूं, जो आपका UPNHM का एग्जाम होने वाला है। फ्रेंड्स, 13 तारीख को एग्जाम है। फ्रेंड्स, मेरा भी 13 को ही एग्जाम है। तो फ्रेंड्स, अब तक मैंने 50 से 60 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं गए हैं तो जाके देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे क्वेश्चनों को आपको कंबाइंड करके एक वीडियो में देने का प्रयास करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको 1-2 मैराथन देख लीजिए, जिससे आपका एग्जाम से पहले पूरा क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आपका वीडियो शुरू करते हैं। मैराथन सीरीज येलो फीवर है एक, तो जो येलो फीवर होता है फ्रेंड्स, यह एक वायरल रोग है। तो यहां से राइट आंसर आपका वायरल रोग, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी में पैरोटिड ग्लैंड बड़ी और टेंडर्ड हो जाती है? तो यहाँ से जो आपका मम्स होता है फ्रेंड्स, यह बीमारी की वजह से ऐसा पॉसिबल होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जो बी हो तो गए एकदम करेक्ट हो जाएगा। सामान्यतः ट्यूबरकुलोसिस किस आयु समूह की बीमारी है? तो यहाँ से जो आपके फ्रेंड्स सभी उम्रों में लोगों में यह पाया जाता है। तो यहाँ से आपका जो सभी उम्र के लोगों में पाई जाने वाली बीमारी यह होती है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। टिटनेस के लक्षणों में शामिल है? तो फ्रेंड्स, जो टिटनेस होता है इसके लक्षणों में फ्रेंड्स जो लॉक्ड अज्जा होता है फ्रेंड्स, यह आपका टिटनेस के लक्षणों में शामिल होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बी एकदम करेक्ट हो जाता है। ECI एक्ट कब पारित हुआ? तो जो फ्रेंड्स मेडिकल से संबंधित है ECI, इसका जो एक्ट है फ्रेंड्स वह 1948 में पारित हुआ था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ कब बनाई गई? तो फ्रेंड्स, जिसे आप CCH कहते हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, यह फ्रेंड्स आपका 1952 ईस्वी में बनाया गया। तो यहाँ से आपका राइट आंसर 1952 एकदम करेक्ट हो जाएगा। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? तो जब जो आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है फ्रेंड्स, यह आपके 1953 ईस्वी में शुरू किया गया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले बन जाता है। कंजुक्टिविटीज़ का लक्षण क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका कंजुक्टिविटी है फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोगों को सूजी हुई लाल आंखें इसमें देखने को मिलती है, आंखों में पानी जैसा पदार्थ निकलता है, सूजी हुई पलके और आंख में खुजली होती है। तो यह आपके आंख संबंधित रोग है। तो यहाँ से आपका उपयुक्त सभी, यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर TT का टीका किस मार्ग द्वारा दिया जाता है? तो जो TT का टीका है फ्रेंड्स, वह आपका IM के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ से आपका IM मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चिकन पॉक्स का कंजक्टिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो चिकन पॉक्स है इसका जो ऑर्गेनिज्म है फ्रेंड्स, यहाँ से वेरिसेला जोस्टर, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। MMR का टीका कौन सी बीमारियों को रोकने के लिए लगाया जाता है? तो जो फ्रेंड्स MMR है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म यहाँ से आप लोगों को बताया गया है फ्रेंड्स, जो मीजल्स मम्स रूबेला होता है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका MMR का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। शिशु में स्तनपान से सामान्य आहार में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो सामान्य प्रक्रिया में बदलाव होता है फ्रेंड्स, वह वीनिंग कहा जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स वीनिंग हो जाएगा। यहाँ से किस उम्र पर एक बच्चे में अजनबी लोगों से अनेक्सटी होने प्रारंभ हो जाती है? तो फ्रेंड्स, जो 6 से 7 माह का उम्र के बच्चे होते हैं उनके अंदर यह गुड़ उत्पन्न होने लगता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटामिन ई का स्रोत कौन सा है? तो फ्रेंड्स, जो विटामिन ए है फ्रेंड्स, उसमें आपकी हरे पत्तेदार सब्जियां शामिल होती हैं, हरे और मीठे फल होते हैं, चीज होता है। तो यहां से ये सभी होते हैं। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सारे लक्षण आपके विटामिन ए में पाए जाते हैं। गर्भावस्था में महिला का व्यवस्थित परीक्षण करना तथा सलाह देना कहलाता है? तो फ्रेंड्स, जो यहाँ से आपका प्रसव पूर्व देखभाल हो जाएगा, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ से बी नंबर आपका एकदम क्वेश्चन सही हो जाएगा। प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, जो यहाँ से आपके प्रसव से पहले देखभाल है फ्रेंड्स, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का पता लगाना है, किसी भी प्रकार की कंप्लिकेशन को रोकना है, माता के स्वास्थ्य को शिक्षा प्रदान करना है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स 2 से 3 बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसको भी आपको इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम से रिलेटेड। निम्न में से कौन सा एक अस्थानिक गर्भावस्था का रिक्स फैक्टर होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका रिक्स फैक्टर होता है फ्रेंड्स प्रीवियस, यहाँ से आपके जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे एकदम राइट आंसर, यहाँ से आपका सभी लोगों का हो जाएगा। कम से कम कुल कितनी इंटरनल विजिट होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, जो आपके कम से कम 4 जो यहाँ से इंटरनल विजिट आपकी कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स 4 एकदम करेक्ट आपके एग्जाम के रिलेटेड हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी ग्रीप को अमीलाइकल ग्रीप के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स जुकाम हुआ है इसलिए आपको जो मेरी आवाज़ है फिर उसमें थोड़ा दिक्कत महसूस हो सकता है, तो फ्रेंड्स कृपया कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंड्स यहाँ से आपका लेटरल ग्रिप एकदम राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों का हो जाएगा। गर्भावस्था के सेकंड हाफ में एक महिला को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स उस टाइम पे जो महिला को कैलोरी की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स वह 300 किलो कैलोरी उसको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक डिलीरियम से ग्रसित व्यक्ति को सबसे ज़्यादा डिस्टोरिएंटेड किस चीज़ के लिए रहता है? तो यहाँ से जो आपका समय होता है फ्रेंड्स उनके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर समय एकदम सही हो जाएगा। एक डिलीरियम से ग्रसित व्यक्ति को सबसे कॉमन प्रकार का हेलुमिनेशन होता है? तो फ्रेंड्स जो आपका कॉमन हेलुमिनेशन होता है फ्रेंड्स वह दृष्टि से संबंधित होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। डिलीरियम का प्रोडिस्पोसिंग कारक क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपके ये कारक हो जाएंगे यहाँ से अत्यधिक शराब का सेवन करना, सिर की चोट, वृद्धावस्था, ये सभी कारण यहाँ से आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। डेमेंट्रिया का सबसे कॉमन टाइप है? तो फ्रेंड्स जो डेमेंट्रिया होता है फ्रेंड्स उसका जो एजाइमर डेमेंट्रिया होता है यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एकदम ए करेक्ट हो जाएगा। गेस्टेटरी हेलुसिएशन मुख्य रूप से किससे प्रभावित करता है? तो यहाँ से जो आपके स्वाद कलिकाएँ होती हैं फ्रेंड्स या इसको टारगेट करता है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। हमारा यहाँ से पहला क्वेश्चन हो जाता है, मीजल्स के चकत्ते सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो फ्रेंड्स जो मीजल्स होते हैं उसके जो चकत्ते हैं फ्रेंड्स हमारे चेहरे पर दिखाई देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स चेहरे पर एकदम करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। MDT किस बीमारी में दी जाती है? तो जो MDT की दवा है फ्रेंड्स वह किस बीमारी में दी जाती है? तो यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी लोगों को दिख रहा होगा लेप्रोसी, इसी में फ्रेंड्स जो MDT की दवा है वो दी जाती है। तो यहाँ से आप लोगों को लेप्रोसी दिख रहा होगा। डिप्थीरिया सबसे ज़्यादा किस माध्यम द्वारा फैलता है? तो फ्रेंड्स जो डिप्थीरिया नाम का रोग है फ्रेंड्स यह आपके डेप्लोपेड इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। टिटेनस किस माध्यम में फैलता है? तो फ्रेंड्स जो टिटनस होता है वह किस माध्यम में बहुत अधिक तेज़ी से प्रसार करता है? तो यहाँ से आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा घाव का टिटनस बीजाणुओं द्वारा संक्रमण होने पर सबसे अधिक तेज़ी से फैलता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी का इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो फ्रेंड्स जो हेपेटाइटिस बी है इसका जो पीरियड होता है फ्रेंड्स 45 से 180 दिन के बीच होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। डिप्थीरिया का इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? फ्रेंड्स यहाँ से डिप्थीरिया का जो भी पीरियड होता है फ्रेंड्स आपका यहाँ से 2 से 6 दिन के बीच में होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके STS एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है जिससे एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। अगर फ्रेंड्स आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो एक वीडियोज को आप एक बार दो बार देख लीजिए, आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो मैं यही आशा करूँगा कि अगर एक बार में आपको क्वेश्चन नहीं याद हो रहे हैं तो आप दो बार इस वीडियो को ओपन करके सुन लीजिए, आपको 100% ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी बीमारी कुपोषण के कारण नहीं होती? तो फ्रेंड्स जो एक कुपोषण है फ्रेंड्स इसका जो डायबिटीज से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ से आपका जो डायबिटीज है एकदम करेक्ट यहाँ से राइट आंसर बी हो जाएगा। कंगारू मदर केयर किस बीमारी के इलाज में लाभदायक है? तो जो फ्रेंड्स कंगारू मदर केयर है यह तापमान की कमी के लिए लाभदायक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर तापमान की कमी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी नहीं होती? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका विटामिन ए की कमी से होती है फ्रेंड्स यहाँ से रात्रि का अंधापन, केरलोटो मलेशिया, कार्नियस जिलोसिस, ये सब आपके विटामिन ए की कमी से होती है। लेकिन जो फ्रेंड्स आपके यहाँ बेरी बेरी है फ्रेंड्स यह आपका विटामिन बी की कमी से होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जीवाणु जनित बीमारी है? तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो ये डिप्थीरिया है फ्रेंड्स यह आपके जीवाणु जनित बीमारी है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाता है। टोडलर उम्र क्या होती है? तो फ्रेंड्स जो टोडलर की उम्र होती है वह फ्रेंड्स 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप STS का एग्जाम दे रहे हैं तो यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन देख के कर चलना है। किस एज ग्रुप के बच्चों को इन्फेंट अथवा शिशु कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो
जीरो से एक वर्ष के बीच के बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें शिशु कहा जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाता है। किस उम्र का बच्चा अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? तो फ्रेंड्स, अगर 3 महीने का बच्चा हो गया है तो जो अपनी माँ है उसको पहचाना अच्छे तरीके से कर देता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। पॉलीहाइड्रामिनोस के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो पॉलीमिनोस है इसके जो कारण है फ्रेंड्स, यह आपका ऑप्शन सभी यहाँ से करेक्ट हो जाए क्योंकि सारे ही ऑप्शन यहाँ से आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल एकदम करेक्ट यहाँ से आपका हो जाएगा। एक्सलेम्पसिया अलार्मिंग सिम्टम क्या है? तो फ्रेंड्स, जो एक्सलेम्पिया है यह फ्रेंड्स आपका सिर दर्द भी होता है, इसमें नींद में व्यवधान भी होता है, यूरिन आउटपुट में कमी भी होती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि सारे ही ऑप्शन आपके सही है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। प्री एक्सलेम्पसिया के कारण होने वाले मेटरनल कंप्लोजन नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्या नहीं है? तो यहाँ से आपका जो पोलेरिया है यह आपका नहीं होता। तो यहाँ से आपका राइट आंसर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक्सलेम्पसिया के मेटेरियल कॉम्प्लिकेशन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका प्रामस्तिष्क रक्तचाप होता है, दृष्टि में व्यवधान होता है, पोस्टमार्टम साइकोसिस होता है, ये सारे लक्षण आपके इसके रिलेटेड हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं एक आप लोगों को ट्रिक बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है इसमें UPNSM से रिलेटेड, अगर उसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ नहीं पता तो फ्रेंड्स आप उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन 100% टिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 90% आपके क्वेश्चन में यही ऑप्शन आपको सही मिलेगा। तो इस प्रकार आप अपने क्वेश्चन में अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो तब भी उसको आसानी से कर सकते हैं इस ट्रिक की मदद से। एक्सलेम्सिया के कारण होने वाले कन्वेलुन्सियस के ट्रीटमेंट हेतु ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका MgSO4 है फ्रेंड, जिसे आप मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, यह उसी यूज में आता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक्सलेम्पिया के इलाज हेतु कौन सी दवा काम में ली जाती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो ये सारी दवाएं आपको दिख रही हैं, ये सारी दवाएं इसके यूज में ली जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये ट्रिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उपरोक्त तो सभी और आल वाली। निम्न में से कौन सा एथेंसिटिव ड्रग नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका फेनिटोइन होता है फ्रेंड्स, ये आपका नहीं होता। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बच्चों में पाए जाने वाला आदत हैबिट संबंधी रोग नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो आपका मेंटल रिट्रेक्शन होता है फ्रेंड्स, ये आपका हैबिट वाला रोग नहीं है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ट्राइकोटिलोमिया का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ जो आपका स्वयं के बाल खींचते हैं फ्रेंड्स, इसे ही ट्राइकोटिलोमिया कहा जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एंटी डिस्प्रेंट दवाओं का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो आप लोगों को दिख रहा होगा फ्लोरोक्विसिटिन, क्लोरोमिप्रामीन, एमिप्रिप्लिन, ये सारी दवाएँ जो है फ्रेंड्स आपकी यही दवाएँ के उदाहरण है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ECT में प्रयुक्त किया जाने वाले वोल्टेज की मात्रा है? तो फ्रेंड्स, जो ECT में प्रयुक्त किया जाने वाला वोल्टेज है फ्रेंड्स, वह 90 से 140 वोल्ट के बीच में होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर 90 से 140 वोल्ट एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक मरीज को लगाई जाने वाले ECT का समय क्या होता है? तो फ्रेंड, जो मरीज को लगाए जाने वाले ECT का कम से कम 0.1 से 1 सेकंड के बीच होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इंट्रा यूरिन लाइफ के दौरान कौन सी संरचना माता तथा भ्रूण के मध्य संबंध स्थापित करती है? तो जो यह संरचना हो जाती है फ्रेंड्स आपकी प्लेसेंटा नामक संरचना यहाँ से आपके संबंध स्थापित करती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। निषेचित अंडों का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण किस दिन पूर्ण हो जाता है? तो फ्रेंड्स, जो निषेचित अंडे हैं उनका जो गर्भाशय की दीवार पर आरोपण वह 11वें दिन संपन्न हो जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर 11वां दिन एकदम करेक्ट हो जाएगा। टर्म ऑफ गर्भाशय यूट्रस का वजन लगभग कितना होता है? तो जो यूट्रस का वजन होता है फ्रेंड्स वह आपके शरीर में 900 से 1000 ग्राम तक होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। बेक्सट्रॉन हिक्स संकुचन
क्या है। तो फिर से यहाँ से जो बेक्स्ट्रान हिक्स संकुचन है वह फिर से गर्भावस्था के दौरान होने वाले गर्भाशयी संकुचन को ही कहा जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ए वाला एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितनी वृद्धि हो जाती है। तो जो फ्रेंड्स है अगर वह महिला स्वस्थ है तो उसके जो शरीर में वजन है फ्रेंड्स वह 11 kg का वजन बढ़ जाता है। तो यहाँ से आपका जो वृद्धि है वह 11 kg के करीब बढ़ जाती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स 11 kg हो जाएगा। प्रेगनेंसी में लगभग कुल कितना ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स अगर प्रेगनेंस महिला है तो उसके अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है फ्रेंड्स वह 1500 ml तक बढ़ जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स 1500 ml एकदम करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में निषेचित अंडों का आरोपण कहाँ होता है। तो जो मनुष्य में निषेचय में अंडों का प्रत्यारोपण होता है फ्रेंड्स वह गर्भाशय यूट्रस में होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर गर्भाशय एकदम करेक्ट हो जाएगा। गर्भावस्था के शुरुआती 6 सप्ताह में कौन सी संरचना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वह फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपका जो कार्पस ल्यूटीरियम होता है यहाँ वहीं पर स्रावित होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रसवपूर्ण देखभाल का उद्देश्य है। तो जो प्रसव का हमको देखभाल करना चाहिए फ्रेंड्स हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का पता लगाना चाहिए, किसी भी प्रकार का कम्प्लिकेशन को रोकना चाहिए, माता को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना चाहिए जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ से ऑप्शन आपके सभी करेक्ट हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाता है। परप्यूरम की अवधि कितनी होती है। तो जो परप्यूरम होता है फ्रेंड्स उसकी अवधि आपको यहाँ से 6 सप्ताह होती है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ से 6 सप्ताह एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कॉर्नियल जिरोसिस एवं कैरेटोमेलेसिया हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका विटामिन ए है फ्रेंड्स इसकी कमी से आपका जो कैरेटोमेलेसिया की बीमारी हो जाती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स विटामिन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि जो आपका विटामिन सी है फिर जिसे रासायनिक में स्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है तो इसकी वजह से आपका जो स्कर्वी रोग है हो जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। थायमिन क्या है। तो जो फ्रेंड्स विटामिन B1 है उसे थायमिन बोला जाता है। तो यहाँ से आपका जो जल में घुलनशील विटामिन है ये विटामिन B आपका जल में घुलनशील विटामिन है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि आपके जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका विटामिन B आपका फ्रेंड जो विटामिन B और C है या फ्रेंड जल में घुलनशील है, बाकी जो आपके विटामिन है ADE फ्रेंड्स वसा में घुलनशील है। तो आपका यहाँ से राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा B। एक गर्भवती माँ के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स अगर एक माँ गर्भवती है तो उसके लिए जो प्रतिदिन 300+ कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो हाँ यहाँ से आपका राइट आंसर 300 कैलोरी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन क्रोनिक रीनल फोलियर CRPF में CRF के मरीज को बंद नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों को घी तेल चीनी और आलू का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। तो यहाँ से आपका राइट आंसर D एकदम करेक्ट हो जाएगा। गर्भ के दौरान भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेने पर क्या होगा। यदि फ्रेंड्स आप पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं लेंगे तो जो आप परिपक्व बच्चे का जन्म होगा, बच्चे का वजन कम होगा, गर्भ के अंदर बच्चे की वृद्धि रुक जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से जब एक मरीज स्मृति के रिक्त के स्थान को भरने के लिए कहानियां बनाता है तो यह कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको आप गप्पेबाजी ही कहेंगे। तो यहां से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स यहां से गप्पेबाजी हो जाएगा। किसी व्यक्ति की संवेगात्मक भावनाओं को मौखिक रूप से वर्णन नहीं कर पाना यह कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका एलेक्सथामिया है यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यही कहलाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। एक मेंटल डिसऑर्डर जिसे व्यक्ति एकाग्रचित नहीं हो पाता उसे कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो डिस्टर्बिलिटी होती है यहाँ से आपका राइट आंसर बन जाता है क्योंकि यहाँ ही से व्यक्ति एकाग्रचित नहीं हो पाता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अल्कोहल का सबसे सिवरल विड्रॉल लक्षण क्या है। तो जो आपका यकृत का सिरोसिस है होता है यही पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो आपके यकृत के लिए सबसे खतरनाक है अल्कोहल। तो इसलिए आपका यहाँ से ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सिज़ोफ्रेनिया के इलाज में काम में ली जाने वाली दवा कौन सी है। तो फ्रेंड जो सिज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए काम में ली जाती है वह फ्रेंड क्लोरोमोपीजीन भी का इस्तेमाल होता है, हेलोपेरिडोल का इस्तेमाल भी होता है, हेलोंजापीन का भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से निम्न में से मूड स्टेबलाइजर का उदाहरण है। तो फ्रेंड जो मूड स्टेबलाइजर होता है उसमें फ्रेंड सोडियम वल्प्रोएट और कार्बाजेपीन भी दोनों इस्तेमाल होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम फ्रेंड्स एक प्रोटोजोआ है, तो यहाँ से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम क्या है, तो माइक्रोबैक्टीरियम फ्रेंड्स एक बैक्टीरिया का नाम है, तो यहाँ से आपका ये भी बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो वायरस और बैक्टीरिया नाम के दो चैप्टर दिए गए हैं, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप एसटीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है। ARII का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेंड्स जो ARII है उसका फुल फॉर्म फ्रेंड्स यहां से आप सभी लोगों को तीव्र श्वसनीय संक्रमण इसका पूरा नाम होता है हिंदी में, तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां से एम आणविक जीव विज्ञान का निम्न में से स्थित है, तो जो ये संस्थान है फ्रेंड्स यहां कहां पर स्थित है, तो यहां से यह संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है, तो आपका राइट आंसर यहां से हैदराबाद ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश औषधियों का अणुभार किसके मध्य होता है, तो फ्रेंड्स जो अधिकांश औषधियाँ होती हैं उसका जो अणुभार होता है फ्रेंड्स आपका 250 से 300 के बीच में होता है, तो यहां से आपका राइट आंसर 250 से 300 एकदम करेक्ट हो जाएगा। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है, तो जो गुर्दे का मुख्य कार्य होता है फ्रेंड्स वह आपके द्रव के संतुलन को नियमित करना तथा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन हमारे बॉडी के बाहर करना है, तो यहां से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स बी एकदम करेक्ट हो जाता है। यहां से निम्नलिखित में से किससे एक्सरे की खोज की, तो फ्रेंड्स जो एक्सरे की खोज की फ्रेंड्स वह WC रॉन्जटन ने की, तो यहां से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस संस्थान ने पहली ICMR अनुमोदित मोबाइल RT-PCR प्रयोगशाला विकसित की, तो फ्रेंड्स ये कोविड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो ये भी आपको याद कर लेना है। IISC बेंगलुरु के द्वारा यह निर्मित किया गया, तो आपको इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु से नहीं होता, जो कौन सा रोग इनमें से जीवाणुओं से नहीं होता, तो फ्रेंड्स आपका यह मलेरिया रोग जीवाणुओं से नहीं होता, तो यहां से राइट आंसर फ्रेंड्स आपका मलेरिया एकदम करेक्ट यहां से हो जाता है। हाइपरकैलेमिया के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली ड्रग है, तो फ्रेंड्स जो हाइपरकैलेमिया के उपचार हेतु जो आवश्यक दवा है फ्रेंड्स वह कैल्शियम ग्लूकोनेट का उपयोग किया जाता है, तो यहां से आपका राइट आंसर कैल्शियम ग्लूकोनेट एकदम राइट यहां से हो जाएगा। निम्नलिखित हार्मोन्सों में से किसके संश्लेषण के सूक्ष्म पोषक तत्व आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो फ्रेंड्स यहां से जो आपका थायरोक्सिन होता है ट्राईआयोडोरोमिन होता है फ्रेंड्स इसी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, तो यहां से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है, तो फ्रेंड्स जो आपके हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है वह फ्रेंड्स आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, जो कि बहुत ही एक्टिव होती है और आपके शरीर में मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है यहां से, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 31 मई को उस दिन किस दिन के रूप में मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स जो 21 मई होता है फ्रेंड्स यह विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, यदि आप UPSTS का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स यह जो है वह 12 मई 1820 को इसे मनाया जाता है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर 12 मई 1820 एकदम करेक्ट हो जाएगा। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका अनुवांशिक पदार्थ है, तो फ्रेंड्स जो एड्स बीमारी होती है जिसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड एम्ब्रियो डिस्ट्रीजेंसी सिंड्रोम होता है फ्रेंड्स यह एक स्टार्टेंड आरएनए के द्वारा होता है, तो इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। निर्दालु रोग मानवों में और अन्य जंतुओं का एक परजीवी रोग है, यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो फ्रेंड्स जो यह रोग है आपका ट्रिपैनोसोमा के द्वारा उत्पन्न होता है, तो यहां से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। हीट स्ट्रोक में प्रयुक्त उपचार है, तो फ्रेंड्स जो अब हीट स्ट्रोक अगर आपको हो जाता है तो आपको ठंडा पानी से स्पॉन्जिंग करना चाहिए, जिससे यह जल्द से जल्द ठीक हो जाता है, तो यहां से आपका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है, तो फ्रेंड्स जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर में एक ऊर्जा की तरह कार्य करता है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऊर्जा की तरह एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर में एकदम ऊर्जा की तरह काम करता है। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है, तो फ्रेंड्स जो पारद विष खाता है इसी के वजह से यह होता है, तो यहाँ से आपका मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण यहाँ से यही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
डब्लू बेबी नामक प्रदूषककारी बीमारी पीने वाले जल से निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? तो फ्रेंड्स जो जल में सबसे ज़्यादा अधिक नाइट्रेट उत्पन्न हो जाता है इसी के कारण यह बीमारी होती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाता है। अपेंडिक्स किसमें स्थित होता है? तो फ्रेंड जो आपका अपेंडिक्स होता है वह आपके दायां एलिया फोसा में स्थित होता है। तो कुछ चित्र के माध्यम से मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा कि जो आपका अपेंडिक्स है वह कैसे होता है। तो आपको यहां से चित्र के माध्यम से फ्रेंड्स देखने को मिल रहा होगा कि आपका जो ऐसे बड़ी आंतें होती है फ्रेंड्स शरीर में कुछ इस प्रकार की आपकी बड़ी आंत होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके ये छोटी आंत हो जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो होता है फ्रेंड्स इसे ही बड़ी आंत कहा जाता है। तो गोल वाला जो आपको यहाँ दिख रहा होगा अपेंडिक्स यही हिस्सा आपका अपेंडिक्स कहलाता है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि अपेंडिक्स आपके शरीर में कहाँ पर होता है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि किसमें स्थित होती है? तो फ्रेंड्स जो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि होती है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह आपके मस्तिष्क में स्थित होती है और यह भी आपके मेन पार्ट हो जाता है बॉडी का और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से आपका। वेलिटेटेड रोगियों के लिए वेंटिलेटर एसोसिएटेड निकोमिया को रोकने के लिए अनुवांशिक स्थिति क्या है? तो फ्रेंड्स अगर इसको आपको रोकना है तो फ्रेंड्स आपको सेमू रेक्विवेलेंट पोजीशन में जाना होगा। तो यहां से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यहां से एकदम करेक्ट हो जाता है। ये सब क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड बन जाते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन आपके को एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको इसको तैयार कर लेना है। पिछले 20 वर्षों में मलेरिया की कमी दर्शाता है? तो फ्रेंड जो आपका सेकुलर निवृत्ति है इसी के कारण पिछले 20 वर्षों में मलेरिया की जो कमी हुई है अधिकतर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाता है। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य पदार्थ कौन है? फ्रेंड्स यदि आप हृदय के लिए आपको खाद्य पदार्थ लाभदायक लेना है तो फिर यहाँ से ऑलिव ऑयल जिसे जैतून का तेल भी कहा जाता है जो बच्चों को ज़्यादातर मालिश किया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जैतून का तेल एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा क्योंकि हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक तेल माना जाता है। अस्थि में खनिज सामग्री की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो फिर जो आपके अस्थि के शरीर में खनिज की गणना की जाती है वह आपके दोहरी ऊर्जा एक्सरे और अवशोषण क्षमता मापक के द्वारा की जाती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाता है। औषध अवशोषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? तो फ्रेंड्स जो आपके औषधि अवशोषण की दर होती है वह फ्रेंड्स आपके जो शरीर में छोटी आंत होती है उसमें सबसे अधिक होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर भी छोटी आंत एकदम करेक्ट हो जाएगा। गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है? तो यहाँ से जो आपका गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है फ्रेंड्स इसमें आपके पेप्सिनोजन को सबसे अधिक स्रावित किया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर भी एकदम क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। एंटेनाटल पीरियड के दौरान इनमें से कौन रूटीन इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं? तो यहाँ से आपके जो ऑप्शन में दिख रहा होगा रक्त की जांच जैसे हीमोग्लोबिन टीएलसी डीएलसी रक्त समूह आदि कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन अल्ट्रासोनोग्राफी तो ये सारी प्रक्रियाएं इसमें किया जाता है। तो यहाँ से आपका उपरोक्त डी ऑप्शन सही हो जाएगा एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा। सर्टिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फिर यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान का निम्न में से स्थित है? तो जो ये संस्थान है फिर से यहाँ कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ से यह संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से हैदराबाद ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश औषधियों का अणुभार किसके मध्य होता है? तो फिर जो अधिकांश औषधियाँ होती हैं उसका जो अणुभार होता है फिर आपका 250 से 300 के बीच में होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर 250 से 300 एकदम करेक्ट हो जाएगा। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो गुर्दे का मुख्य कार्य होता है फ्रेंड्स वह आपके द्रव के संतुलन को नियमित करना तथा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन हमारे बॉडी के बाहर करना है। तो यहां से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स बी एकदम करेक्ट हो जाता है। यहां से निम्नलिखित में से किससे एक्सरे की खोज की? तो फ्रेंड्स जो एक्सरे की खोज की फ्रेंड्स वह डब्ल्यू सी रॉन्जटन ने की। तो यहां से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस संस्थान ने पहली ICMR अनुमोदित मोबाइल RT-PCR प्रयोगशाला विकसित की? तो फ्रेंड्स ये कोविड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो ये भी आपको याद कर लेना है। IISC बेंगलुरु के द्वारा यह निर्मित किया गया। तो आपको इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको याद कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु से नहीं होता? जो कौन सा रोग इनमें से जीवाणुओं से नहीं होता? तो फ्रेंड्स आपका यह मलेरिया रोग जीवाणुओं से नहीं होता। तो यहाँ से राइट आंसर फ्रेंड्स आपका मलेरिया एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाता है।
हाइपरकैलेमिया के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली ड्रग है। तो फ्रेंड्स जो हाइपरकैलेमिया के उपचार हेतु जो आवश्यक दवा है फ्रेंड्स वह कैल्शियम ग्लूकोनेट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर कैल्शियम ग्लूकोनेट एकदम राइट यहाँ से हो जाएगा। निम्नलिखित हार्मोन्सों में से किसके संश्लेषण के सूक्ष्म पोषक तत्व तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका थायरॉक्सिन होता है, ट्राई आयोडोरोमिन होता है फ्रेंड्स, इसी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो फ्रेंड्स जो आपके हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है वह फ्रेंड्स आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, जो कि बहुत ही एक्टिव होती है और आपके शरीर में मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है यहाँ से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 31 मई को उस दिन किस दिन के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो 21 मई होता है फ्रेंड्स यह विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, यदि आप UPSTS का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो है वह 12 मई 1820 ईस्वी को इसे मनाया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर 12 मई 1820 एकदम करेक्ट हो जाएगा। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका अनुवांशिक पदार्थ है। तो फ्रेंड्स जो एड्स बीमारी होती है जिसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड एम्ब्रियो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है फ्रेंड्स, यह एक आरएनए एक स्टार्टेंड आरएनए के द्वारा होता है, तो इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। निर्दालु रोग मानवों में और अन्य जंतुओं का एक परजीवी रोग है, यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स जो यह रोग है आपका ट्रिपैनोसोमा के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। हीट स्ट्रोक में प्रयुक्त उपचार है। तो फ्रेंड्स जो हीट स्ट्रोक अगर आपको हो जाता है तो आपको ठंडा पानी से स्पॉन्जिंग करना चाहिए, जिससे यह जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है। तो फ्रेंड्स जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर में एक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऊर्जा की तरह एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर में एकदम ऊर्जा की तरह काम करता है। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है। तो फ्रेंड्स जो पारद विष खाता है इसी के वजह से यह होता है। तो यहाँ से आपका मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण यहाँ से यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यू बेबी नामक प्रदूषक कारित बीमारी पीने वाले जल से निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है। तो फ्रेंड्स जो जल में सबसे ज़्यादा अधिक नाइट्रेट उत्पन्न हो जाता है इसी के कारण यह बीमारी होती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाता है। अपेंडिक्स किसमें स्थित होता है। तो फ्रेंड जो आपका अपेंडिक्स होता है वह आपके दायां एलिया पोसा में स्थित होता है। तो कुछ चित्र के माध्यम से मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा कि जो आपका अपेंडिक्स है वह कैसे होता है। तो आपको यहां से चित्र के माध्यम से फ्रेंड्स देखने को मिल रहा होगा कि आपका जो ऐसे बड़ी आंतें होती है फ्रेंड्स शरीर में कुछ इस प्रकार की आपकी बड़ी आंत होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके ये छोटी आंत हो जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो होता है फ्रेंड्स इसे ही बड़ी आंत कहा जाता है। तो गोल वाला जो आपको यहाँ दिख रहा होगा अपेंडिक्स, यही हिस्सा आपका अपेंडिक्स कहलाता है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि अपेंडिक्स आपके शरीर में कहाँ पर होता है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि किसमें स्थित होती है। तो फ्रेंड्स जो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि होती है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, यह आपके मस्तिष्क में स्थित होती है और यह भी आपके मेन पार्ट हो जाता है बॉडी का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से आपका। वेलिटेटेड रोगियों के लिए वेंटिलेटर एसोसिएटेड निकोमिया को रोकने के लिए अनुवांशिक स्थिति क्या है। तो फ्रेंड्स अगर इसको आपको रोकना है तो फ्रेंड्स आपको सेमू रेक्विवेलेंट पोजीशन में जाना होगा। तो यहां से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यहां से एकदम करेक्ट हो जाता है। ये सब क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड बन जाते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। पिछले 20 वर्षों में मलेरिया की कमी दर्शाता है। तो फ्रेंड्स जो आपका सेकुलर निवृत्ति है इसी के कारण पिछले 20 वर्षों में मलेरिया की जो कमी हुई है अधिकतर। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाता है। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य पदार्थ कौन है। फ्रेंड्स यदि आप हृदय के लिए आपको खाद्य पदार्थ लाभदायक लेना है तो फिर यहाँ से ऑलिव ऑयल जिसे जैतून का तेल भी कहा जाता है, जो बच्चों को ज़्यादातर मालिश किया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जैतून का तेल एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक तेल माना जाता है।
अस्थि में खनिज सामग्री की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स जो आपके अस्थि के शरीर में खनिज की गणना की जाती है वो आपके दोहरी ऊर्जा एक्सरे और अवशोषण क्षमता मापक के द्वारा की जाती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाता है। औषध अवशोषण की दर सबसे अधिक किस में होती है? तो फ्रेंड्स जो आपके औषधि अवशोषण की दर होती है वह फ्रेंड्स आपके जो शरीर में छोटी आंत होती है उसमें सबसे अधिक होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर भी छोटी आंत एकदम करेक्ट हो जाएगा। गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है? तो यहाँ से जो आपका गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है फ्रेंड्स इसमें आपके पेप्सिन ओजन को सबसे अधिक स्रावित किया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर भी एकदम क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। एंटेनाटल पीरियड के दौरान इनमें से कौन रूटीन इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं? तो यहाँ से आपके जो ऑप्शन में दिख रहा होगा रक्त की जांच जैसे हीमोग्लोबिन TLC DLC रक्त समूह आदि, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी, तो ये सारी प्रक्रियाएं इसमें किया जाता है। तो यहाँ से आपका उपरोक्त डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ से आपका हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं। फिर इसके आगे ही फ्रेंड्स आपको मैं आज के ही दिन प्रयास करूँगा कि आपका मैराथन वीडियो लाऊँ जिसके माध्यम से आपके सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सम्मिलित कर सकूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को इतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।